हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड एमएससी नर्सिंग के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करना है, इसका एग्ज़ाम डेट कभी होगा, एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा, इसका काउंसलिंग कभी स्टार्ट होगा, मेरिट लिस्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम कभी होगा, उसका रिजल्ट कभी आएगा, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है झारखंड एमएससी नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां पे आपको झारखंड एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा iaspaper.net, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप आईएएस पेपर की वेबसाइट पर जाएंगे जहां पे आपको दिखेगा झारखंड एमएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन रिलीज, एग्ज़ाम डेट, पैटर्न एंड सिलेबस, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग पैटर्न सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा झारखंड एमएससी नर्सिंग 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन रिलीज़। एप्लीकेशन इसका रिलीज़ हो चुका है, उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया है आपको वो फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, डिजिटल लर्निंग एमबीए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म जर्नल, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी, उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा उसे सेलेक्ट कर लेना रहेगा। 10, 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, आपका जो भी रहेगा उसे सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। जिसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे झारखंड एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा झारखंड एमएससी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा रिलीज, अप्लाई हियर ऑनलाइन। यहाँ पे अप्लाई हियर ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा झारखंड एमएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन रिलीज, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहां पे आपको प्राइस डाल देना, कंसीडर नंबर आपको डाल देना, इस नंबर डाल देना, आपको नेम ऑफ स्टूडेंट आपका नाम डाल देना है, यहां पे सीरियल नंबर रहेगा आपको वो डाल देना, आपको कोर्स डाल देना, रेफरेंस नहीं डाल देना, ट्यूशन फी डाल देना, यहां पे जो भी रहेगा सारी डिटेल अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। आपको यहां पे आपके डिटेल डाल देना, कोर्स डाल देना, आपको जो भी कोर्स चाहिए अच्छी तरीके से इसे फिल कर लेना। अगर आपको हॉस्टल चाहिए हॉस्टल कर लेना, पे एडमिशन फॉर्म आपको दिया हुआ, अकाउंट कैश ऑन सेक्शन जो भी चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल आपको डाल देना है, यहाँ पे चेकिंग लिस्ट डॉक्यूमेंट आपको डाल देना है, हॉस्टल अकाउंट डाल देना है, अंडरटेकिंग डाल देना, आपको एडमिशन स्लिप डाल देना, आपको एडमिशन स्लिप जो है उसका नंबर आपको डाल देना, ब्रांच डाल देना है, यहाँ पे आपको एडमिशन टू यहाँ पे डाल के आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर लेना है। यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कॉलेज में भी जाकर विजिट करके ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जिसे मैं बता दिया हूँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑफलाइन रहेगा। यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स है आपको यहाँ पे दिया हुआ, जैसे इसका एग्ज़ाम नेम क्या है, एग्ज़ाम नेम जो है झारखंड एमएससी नर्सिंग, एग्ज़ाम टाइप क्या है, एग्ज़ाम टाइप आपको पीजी लेवल का है, एग्ज़ाम लेवल क्या है, एग्ज़ाम लेवल का स्टेट लेवल आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसका कोर्सेज ऑफर्ड आपको नर्सिंग से हो रहा है, कंडक्टिंग बॉडी इसे कौन कंडक्ट कर रहा है, साइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इसे कंडक्ट कर रहा है। इसका एग्ज़ाम मोड जो है ऑफलाइन रहेगा, इसका एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहेगा। आपको एग्ज़ाम डेट जो है विल बी अवेलेबल, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ इसका एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम ड्यूरेशन का भी रहेगा, 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ से भी जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो रिलीज़ हो चुका है, आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिशन डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो नहीं बताया हुआ, डेट ऑफ कमीशन इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको दिया हुआ है, अनाउंसमेंट डेट ऑफ रिजल्ट दिया हुआ है, कभी भी काउंसलिंग राउंड 1 कभी स्टार्ट होगा, क्लास राउंड 2 कभी स्टार्ट होगा, सारी जानकारी आपको
यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है आपको, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफलाइन है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे मैं बताया तो वहाँ से जाना है आपको। उसके बाद वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी डिटेल जो है अच्छी तरीके से उसमें फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल रहेगा, आपका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सक्सेसफुल तय कर लेना, आपको एप्लीकेशन टू सबमिट कर देना। आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसके लिए झारखंड एमएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है एक बार, क्योंकि आप उसके एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपका मिनिमम एज कितना रहना चाहिए, शुड बी 17। आपका मिनिमम कम से कम जो एज है वो 17 से रहना चाहिए, 17 से कम आपका एज नहीं रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका HSC पास रहना चाहिए, आप 12th पास रहना चाहिए। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज बोर्ड, जो भी बोर्ड यहाँ पर रहेगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एप्लीकेंट हैव द वैलिड डिग्री, डिग्री आपको होना चाहिए BSc नर्सिंग कोर्स की, आपको डिग्री होनी चाहिए। क्वालिफाइड मार्क्स, आपका क्वालिफाइड मार्क्स कितना रहना चाहिए। एप्लीकेशन मोस्ट स्कोर नॉट लेस देन, आपको 45% से लेस नहीं होना चाहिए आपका जो क्वालिफाइड मार्क्स है। क्वालिफाइड एग्ज़ाम जो है, अरे मार्क्स है वो आपका 45% से कम नहीं रहना चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है HSC एग्ज़ाम, PGDM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलॉन्ग विथ इंग्लिश आपको रहना चाहिए। यहाँ पे अपीयरिंग एप्लीकेशन जो अपीयरिंग में मतलब एलिजिबल टू अप्लाई द एडमिशन प्रोसीजर, जो एप्लीकेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई द एडमिशन प्रोसीजर है, द एप्लीकेशन नीड टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आप अगर इस साल अप्लाई किए हैं BSc नर्सिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। झारखंड MSc नर्सिंग का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम मोड जो है ऑफलाइन है इसका, एग्ज़ाम मोड जो है आपको ऑफलाइन मिलेगा। द मीन्स ऑफ एप्लीकेशन नीड टू अपेयर द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑन मार्क OMR सीट की तरह रहेगा। आपका पेन और पेपर बेसिस पे रहेगा टेस्ट, आपको ऑफिशियल ऑथराइज जो है वो बताएंगे आपको कैसा होगा। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लेना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली ऑब्जेक्टिव, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। द मोर इम्पोर्टेंट द रिकॉग्नाइज द एप्लीकेशन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, आपको और जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल अपडेट रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट अपनी तरफ से करेगी। यहाँ पे आपको सब सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ, अगर सिलेबस के बारे में आप जानना है तो आपको ऑफिशियल ऑथराइज जो है वो बताएंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस अपडेट आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू यूनिवर्सिटी फॉर द रेफरेंस एप्लीकेशन रिक्वेस्ट द एप्लीकेशन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जो सिलेबस का रिक्वेस्ट रहेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले रिलीज़ होगा। आपका एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन मोड में रिलीज़ होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन मोड रिलीज़ होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, आपको जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मिलेगा, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड। आपको अपना इंस्ट्रक्शन फिल करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑर्डर द डाउनलोड एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन नीड टू एप्लीकेशन नंबर, आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको वो करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आपको हॉल टिकट बिना एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको तभी एग्ज़ाम देने जाना है। यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट का भी आएगा, एग्ज़ाम आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफिशियल अथॉराइज डिसाइड करेंगे आपको किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा। आपका ऑनलाइन मोड आएगा, तो आपको ऑनलाइन मोड चेक करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे विजिट करके आप अपना एप्लीकेशन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आपको चेक करने के बाद डाउनलोड कर लेना अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट, डाउनलोड करने के बाद टेक प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना उसका ऑफिशियल वेबसाइट रिजल्ट का। उसके बाद आपका एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आपको होएगा, उसके बाद काउंसलिंग राउंड आपका स्टार्ट होएगा। काउंसलिंग राउंड पे आपको रजिस्ट्रेशन करना, बेसिक रिजल्ट ऑफिशियल अथॉराइज विल बी प्रिपेयर्ड मेरिट लिस्ट, आपका मेरिट लिस्ट रहेगा। एप्लीकेशन बेसिक मेरिट लिस्ट ऑफिशियल अथराइज, जो ऑफिशियल अथराइज है एडमिशन एप्लीकेशन ऑर्डर द प्रोविजन एडमिशन आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑफिशियल अथराइज विल बी कंडक्ट द काउंसलिंग सीजन, ऑफिशियल अथराइज जो है
यूनिवर्सिटी के झारखंड एमएससी नर्सिंग के उनके थ्रू आपको जो है काउंसलिंग सीज़न होएगा, काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा। काउंसलिंग सीज़न में एप्लीकेशन नीड टू कैरी द सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सब आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखना अलोंग विद देम। आपको सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कैरी करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। जैसे कि मैं बताया था आपको कि यूनिवर्सिटी के बारे में, झारखंड एमएससी के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसे इसका एप्लीकेशन मोड, आप कहाँ से जाके कैसे डाउनलोड करके कैसे फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट के बारे में, पैटर्न, सिलेबस, सारी जानकारी मिल जाएगी। इस पेज की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है तो।